सो गुड आफ्टरनून दोस्तों, अभी मतलब 2:30 बज चुके हैं। मैं आज मतलब डायरेक्ट स्कूल से आने के बाद ही तुम्हारा भाई ब्लॉग स्टार्ट कर रहा है, और मम्मी बना रहे हैं देखो खाना यहाँ पे। क्या बना रहे हो सही? जिमी गंद या जिमी कंद? तो मतलब यार आज तो कुछ समझ नहीं आ रहा करूँ क्या, बहुत बोरिंग दिन है। एक तो मतलब बाहर ठंड इतनी ज्यादा ना, और मतलब आज जल्दी अंधेरा सा होगा, जल्दी अंधेरा होने लग गया क्योंकि सर्दियां तो बढ़ने वाली है। अब लगता है मेरे को हिमाचल में बर्फ पड़ने वाली है। कब पड़ती है बर्फ? दिसंबर में पड़ जाएगी। जल्दी भी पड़ सकती है, पिछली बार जल्दी पड़ गई। और भाई मेरा बर्थडे भी है जनवरी 14 दिसंबर को। सो देख तुम्हारे को बता दिया, याद रखना ठीक है, 14 दिसंबर को मेरा बर्थडे भी है, तो मजा तो आएगा। मेरे बर्थडे में तो बहुत मजा आता है, इस बार और ज्यादा करूंगा, तगड़ा बनाना है बर्थडे मेरा, ठीक है मम्मी? मस्त सा बर्थडे मनाएंगे मेरा। मतलब ना आदमी 50 साल तक बर्थडे मनाता है अपना, 4 साल के बाद उस बंदे को दुख होता है कि भाई 1 साल बूढ़ा हो गया फिर से। मतलब 50 साल तक बंदे को मजा आता है बर्थडे मनाने का, उसके बाद फिर दुख होता है ना, ये इफेक्ट है। कपड़े देना मेरे को पानी के। ले अलमारी पड़ी है पूरी, जो लेना हो ले ले। प्रेस करके रखा करो अलमारी में कपड़े। हाँ प्रेस करके फिर तुम वैसे ही गंदे कर देते हो। अलमारी है ऐसी, इसमें जिसके लिए हैंगर लेके आओ। ये देखो अलमारी में कैसे रखे हुए कपड़े, हैंगर सारे इतने सारे हैंगर हैं वहाँ। तो इसमें इसमें नीचे तक भरोगे तो हैंगर में टंगा के फायदा क्या है? हैंगर भी रहते हैं। इसको नीचे से खाली रखो ना, हैंगर में थोड़े से आते हैं कपड़े। इसमें ऐसे कपड़े पा देंगे फिर प्रेस करने में। तुम करते ही ऐसे, तुम निकालते सारे खराब। वो निकालता है कितना? अब मैं ना एक को निकाल लूंगा, गारंटी देखते हैं कितने गिरते हैं। आराम से निकालो ना, आराम से निकालो। देखो ये देखो, तो ऊपर हाथ रखना पड़ता है ऐसे। तो मैं तो व्लॉगर हूं ना, एक हाथ तो मेरा व्यस्त है। व्लॉगर है तो मतलब मैं चेंज कर लूँ कपड़े, अभी तक मैंने कपड़े नहीं बदले। टाइम कितना हो गया? 5 बज गए भाई अभी। चलो मैं जल्दी पहले चेंज कर लेता हूँ। आप आलसी। सो भाई कर लिया चेंज मैंने कपड़ों को, खाना भी खा चुका हूँ मैं अब तो यहाँ पे। और यार भाई कसम से इतना बोरिंग दिन है ना आज, क्या करूँ मैं, समझ ही नहीं आ रहा। स्कूल भी आज मेरा बोरिंग रहा, मतलब क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा करा दी आज यार कुछ। ऐसे बैठा रहता देखो, इसका छोटा सा इग्लू है। सो भाई मम्मी और गीतांशु गए बाजार अभी सामान लेने के लिए, और मैं तो छत पे टहल रहा हूँ आराम से। बढ़िया मौसम है, मतलब ठंड तो है थोड़ी थोड़ी, लेकिन हाँ मतलब जो पौधों वगैरह खुशबू आ रही है ना इस वक्त। मतलब ना हमारे घर पे मतलब 24 घंटे लाइट जली रहती है, चाहे सुबह हो या रात हो, सुबह को भी जली रहेगी क्योंकि उसके बिना भी बहुत अंधेरा हो जाएगा लाइट के बिना। सो लाइट ज़रूरी है, बाकी हिमाचल में देखो लाइट बंद रखते हैं वो सुबह, क्योंकि सुबह वहाँ पे बहुत रोशनी होती है, धूप की रोशनी बहुत होती है ना, क्योंकि इतनी बड़े से एरिया में सिर्फ 1-2 घर होते हैं ऐसे, मतलब स्पेस होता है, थोड़ा धूप भी अच्छे से आती है। यहाँ पे धूप आती नहीं है, हर एक घर मतलब बीच बीच में ना आसपास सारे घर होते हैं उससे रुक जाती है, तो लाइट मतलब दिन रात जली रहती है यहाँ सबके घरों में। सो गाइस मतलब यहाँ तो देखो 12 बज चुके हैं, सो अभी सोने का टाइम हो चुका है, क्योंकि आज मतलब ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, तो मैं आपको मिलूंगा सुबह। ये देखो मम्मी यहाँ पे बिस्तर सेट कर रहे हैं, देखो छोटा सा दीवान बेड है, इस पर 2 बंदे सो रहे हैं। मम्मी देखो अपनी पूरी रजाई इस पर डाली हुई है, और यहाँ ये मेरा कंबल पड़ा है। तो मम्मी ना हमेशा उल्टी साइड सोती है, देखो मतलब अगर उस साइड सोने का सिर की जगह है ना तो मम्मी इधर का सोएगी, मेरे को भी यहीं पे सोने पड़ेगा अब। तो चलो मैं आपको अभी जल्दी, मेरे को भी नींद आ रही है आज तो बहुत ज़्यादा कसम से, मतलब मैं सोता नहीं 12 बजे कसम से बताऊँ तो, 2 बजे तक तो मैं मतलब 2 बजे तक मेरा वो है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मतलब 2 बजे तक मेरे को उठे रहना है, मतलब रोज उतने बजे से पहले मैं सोता नहीं हूँ, पर आज मैं सो रहा हूँ क्योंकि आज नींद आ रही तगड़े वाली। गुड मॉर्निंग गाइस। सो भाई अभी मतलब टाइम हो चुका है यहाँ पे 11 सुबह, मतलब मैं स्कूल नहीं गया आज क्योंकि भाई मतलब आज मेरे को गले में ना कुछ हो गया था सुबह सुबह, मतलब पक गया गला मेरे को, यहाँ पे दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना कल मैंने खा लिए थे स्प्रिंग रोल रात को, वो भी मतलब मिर्च वाली चटनी के साथ, तो यहाँ पे गले में थोड़ी प्रॉब्लम होगी मिर्च वाली। पानी देना पीने के लिए? पानी उधर आके पी, बोतल दे दो मेरे को। ये पड़ी है नीचे, देना। कहाँ पड़ी? ये पड़ी इधर। धन्यवाद। अच्छा तुम जा रहे हो? हाँ ना ही अभी सारा काम ऊपर इधर की सफाई करी, सारी झाड़ू लगाया। सो गाइज अभी जाने वाला हूँ मैं मम्मी के साथ, मतलब फोन खरीदने के लिए अपने लिए, क्योंकि बहुत हो गया इस फोन का, अब नया फोन लेना है अपने को। चलो फिर चलते तो वहाँ। अरे चलो एक आईफोन लेने तो जाना है। ले तो जाना, मोबाइल भी तो देखने पड़ते ना। एक आईफोन ही तो लेना, चल लो आईफोन चल।
सो भाई अभी तो गीतांशु का वेट कर रहा है, स्कूल से आए उसके बाद हम जाएंगे क्योंकि घर को अकेला नहीं छोड़ सकते अभी। तो भाई तुम्हारा भाई अभी नया फ़ोन लेके आ चुका है, पता नहीं कौन सा ठीक ठाक लगा मेरे को, मैं ले आया। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा फ़ोन है। सो भाई देखो ये रहा मेरा फ़ोन जो कि है ओप्पो A16। सो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं भाई, मज़ा आएगा इसको अनबॉक्स करने का अलग ही। न्यू मॉडल आया है ये भी कोई। सो गाइस चलो अनबॉक्सिंग करनी स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा अपना ओप्पो का A16। तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं ज़रा फ़ोन कैसा है। वैसे दुकान पर तो हमने खोल दिया लेकिन अब मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये पन्नी सी निकालते हैं इसके ऊपर से। ये देखो यहाँ बिल भी पड़ा है, ये वाला देख सकते हो जितने का पड़ा है, 13,990 का पड़ा है फ़ोन मार्को टोटल, मतलब 14,000 समझ लो। तो चलो दोस्तों देखो सीधा से अब जल्दी जल्दी खोल लेते हैं। ये भाई सबसे मुश्किल पार्ट है देखो इस फ़ोन को निकालने के लिए। सो भाई ये रहा देखो, ये निकल गया इसके डब्बा। पैकिंग बहुत अच्छी है तो चलो इसको यहाँ रखते हैं। और ये देखो ये निकला अपना फ़ोन टड़ंग। सो यहाँ से ये यूँ खुलेगा। सो इसके अंदर सबसे पहले देखो हमारे को मिलता है, जो कि मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। भाई सबसे पहले देखो एक मिलता है अपने को सिम कार्ड टूल, जो कि बहुत ज़्यादा काम आता है सिम वगैरह को निकालने में। उसके बाद एक ये इसका केस मिलता है प्लास्टिक का कवर, जो कि अच्छी क्वालिटी का है, देख सकते हो तुम खुद ही, बहुत सही केस है। और उसके बाद सबसे ऊपर हमारे मतलब बीच में हमारे को मिलेगा हमारा जो फ़ोन है वो। चलो इसको भी साइड में रखते हैं, सबसे पहले और चीज़ें देख लेते हैं। इसको हटाने के बाद इसके अंदर हमारे को एक 18 वॉट का फास्ट चार्जर मिलेगा, जो कि 18 वॉट का है, पर ठीक है मतलब फ़ास्ट चार्जर नहीं बोल सकते लेकिन 18 वॉट का है। और साथ में इसके एक हमारे को USB केबल मिलेगी C टाइप, जो कि बहुत ही काम की होती है, मतलब इसको किसी भी डायरेक्शन में हम लगा सकते हैं, तो आजकल फ़ोन वाले इसको रेकमेंड करते हैं C टाइप केबल को। चलो ये सब अपने देख लिया, अब अपने को फ़ोन मतलब अपना मेन फ़ोन को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हटा देते हैं यहाँ से। चलो दोस्तों ये रहा अपना मेन फ़ोन। तो चलो इसको सबसे पहले इस पेज जो कागज़ की है पन्नी सी है इसमें से निकालते हैं इसको। सो भाई ये देखो ये रहा अपना फ़ोन, जो कि दिखने में भाई मतलब इसकी स्क्रीन बहुत बड़ी है, मतलब गेमिंग के लिए तो बहुत मस्त मज़ा आने वाला है इसमें। और साथ में बैक से तुम देख सकते हो इसमें ट्रिपल कैमरा है और साथ में फ्लैश लाइट भी है। ओप्पो का ये फ़ोन है और साथ में इसके भाई यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। देखो ध्यान से, अगर आपको शायद ही दिख रहा हो ये कैमरा थोड़ा सा मेरा ना, ये देखो भाई आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी सी अच्छी मतलब दूरी पर है, मतलब आराम से हाथ में। और इसका भाई जो हैंड फील है ना, कंफर्ट बहुत अच्छा ही है, मतलब हाथ में पकड़ने में भी अलग ही मज़ा आता है इसको। सो ये रहा अपना फ़ोन। तो चलो इसकी अब हम कैमरा क्वालिटी वगैरह की बात करते हैं। सो अब ये कुछ मतलब इसकी जो खींची हुई फ़ोटोज़ वगैरह वो आपको दिख रही होगी इस पर, तो आप खुद ही आप कमेंट में बता सकते हो कैमरा कैसा लगा इसका। सो मेरे हिसाब से तो फ़ोन बहुत ज़्यादा सही है। तो चलो इसको एक बार अब ऑन करके देखते हैं हम। सो भाई देख सकते हो अपना फ़ोन यहाँ पर ऑन हो रहा है, थोड़ा मतलब 10-15 सेकेंड लेगा ये उन्होंने में। चलो इसको ऑन होने देते हैं। बाकी मतलब फ़ोन का डिज़ाइन मेरे को भाई बहुत ज़्यादा ओपी लगा। सो ये देखो अपना फ़ोन ऑन हो चुका है, 11:03 बज रहे हैं, मैं 11:03 बजे यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। सो भाई देखो इसकी जो ब्राइटनेस है ना बहुत ठीक है, मतलब डिस्प्ले इसकी अच्छी है। और भाई ये है मतलब जो ये वेरियंट है ना, ये 4GB 64GB वाला 4GB रैम इसमें मिलेगी आपको। और इसका कैमरा क्वालिटी तो आपने देख ही लोगी कैसी है। तो अब से तुम्हारा मतलब इससे मैं व्लॉग भी बनाने वाला हूँ, कोई भी डाउनलोडिंग एक्स्ट्रा ऐप्स नहीं है, एक स्नैपचैट है इसमें। बाकी तुम देख सकते हो कैमरा क्वालिटी, तुम्हारे को एक बार फिर से यहीं पे दिखा देता हूँ। ये देखो भाई ठीक ठाक कैमरा क्वालिटी है इसकी। तो चलो बाकी तुम फोटोज़ देख लेना जो मैं खींची है इससे। सुन भारा, अरे सुन तो ले, तेरे फायदे की बात बता रहा हूँ। ये देख भैरे सुन ले, अबे सुन ले भैरे, सुन तो ले एक बारी। इधर देख पहले, ऐसी बोल ले जो बोलना। कॉफी पिएगा पहले भारा, शक्ल दिखा एक बारी, शक्ल देखना। ये बता पिएगा नहीं पिएगा, कितना है गिलास? एक कप। कॉफी चाय? कॉफी। चलो कॉफी बना दे हम। चाय नहीं यार, चाय तो मैंने छोड़ दी, कहाँ खत्म होगी, इतनी सारी तो थी। ये पूरा डब्बा आधा डब्बा से भी ज्यादा भरा हुआ है अभी। मम्मी कह रही खत्म होगी, बड़े तेज है मम्मी भी। चाय वाला फ्राई पैन कहाँ है? उसमें दूध। क्यों? छोटे वाला कहाँ है? इसमें बना तुम, इसी में बना दो अब। तो चलो जब तक कॉफी बन रही है हम अंदर चलते हैं। और भाई कॉफ़ी पिया करो तुम भी, मैं तो कॉफ़ी पीता हूँ, कॉफ़ी का अलग ही मज़ा है, मतलब चस्का लग गया कॉफ़ी पीने का अब तुम्हारे भाई को पक्के वाला। अबे जल्दी उबल ना यार, इतना टाइम क्यों लगा रही है, जल्दी उबल जाए यार प्लीज़।
देखो यहाँ पे आ चुका है मानी शिवम और हम जाने वाले हैं अभी गेम खेलने के लिए, मतलब दुकान है वहाँ पे, पैसे देके ना हम वो खेल सकते हैं प्ले स्टेशन। सो आओ कभी, इट्स नॉट अ वो, हाँ जो हमको देख रहे हैं क्या बताऊं। सो भाई देखो ये चल रही है अपनी गेम, ये बैठे हुए हैं सारे प्रतियोगी। मेरे को क्यों मार रहा है, हो रही है प्रतियोगी। मैं ये वाला हूँ देखो, ये वाला मैं हूँ, ये वाला मैं हूँ, काले वाला। क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा मैं किधर हूँ। Yes, finally भाई हमने गेम खेल ली। जीतता कौन है, जीतता कौन है? मैं जीतता हूँ, मानी और मैं जीतते हैं। घंटा जीतता है तू, शिवम जीत गया भाई आज तो, मतलब सारे जीतते हैं। हाँ हम सारे जीतते रहते हैं। कुत्ते यहाँ की हाल बुरा, ये हम यहाँ पे कुत्ते को भी आग सिखवा रहे हैं। बहुत बढ़िया, कुत्ता आग सेक रहा है भाई। गीतांशु को बड्डा था एक बारी इसी कुत्ते ने। सो भाई अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, यही खाएंगे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं गरीब हूँ भाई आज तो, मतलब उसने अपनी रेडी नहीं लगाई हुई स्प्रिंग रोल वाले ने, अभी ये कहीं और जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अब ये कुछ पीने वाला हिसाब किताब करने, किसको भोंक रहा है तू, जानता है नाम, सुना नाम, ये क्या अंकल चिप्स। ओ बच्चे इससे इसको मांगेगा कैसे, उससे अंकल चिप्स देना, अंकल चिप्स देना। वैसे नाम तगड़ा रखा है ना दुकान वाले के हिसाब से रखा है कि अंकल चिप्स बोल देंगे बच्चे, ज़्यादा प्रमोशन होगी। आंटी हुई, आंटी चिप्स देना, आंटी अंकल चिप्स दे दो। आंटी अंकल हो चुकी है, मिलते हैं कल। कल चल, कल आएगा, तेरी छुट्टी है कल? नहीं, कब छुट्टी, कब है तेरी फिर? पता नहीं, संडे को है। ठीक है। सो गाइज यहाँ पे 9:30 बज चुके हैं, सो अभी मेरे को वीडियो का एडिटिंग भी करनी है। सो मिलता हूँ आपको कल के व्लॉग में दोस्तों। अब तो तगड़े तगड़े व्लॉग पाऊंगा मैं, क्योंकि इस फोन में बिल्कुल हैंग नहीं होता एक तो, और ये मतलब क्लैरिटी इसकी ठीक ठाक है, तो फिर भी मतलब इसमें हैंग नहीं होता, ये सबसे बड़ी मेरे लिए वो है भाई खुशी की बात। तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे होम स्टे सेफ। आप देख रहे हो लाइफ द वॉश।